सीएमओ की शिकायत पर निलंबित महिला टीचर के समर्थन में उतरे छात्र व अभिभावक। छात्रों और अभिभावकों तहसील दिवस में पहुंचे डीएम से टीचर का निलंबन वापस कर सीएमओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक कार्रवाई और प्रताड़ना की शिकार महिला टीचर ने सुनाई आप बीती, बताया कि आखिर सीएमओ से क्यों कही थी बंदूक साथ लाने की बात। सीएमओ रामपुर की शिकायत पर निलंबित हुई शिक्षिका का एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामपुर की टांडा तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी रामपुर के सामने किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और उनके अभिभावकों ने निलंबित हुई प्रधान अध्यापिका का निलंबन वापस करने और कथित रूप से दुर्व्यवहार और अश्लील डिमांड करने वाले सीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय के छात्र रहे शगुन ने तहसील दिवस के बाहर मीडिया से रूबरू होकर निलंबित की गई टीचर की तारीफ करते हुए छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीचर को भगवान तक कह डाला। किशनपुर अटरिया, जरा सी चोट लगती है मैम अपने साथ कार में लेके जाती हैं, बच्चों को कपड़े दे दिलाती हैं, अपने पास से सारे काम करती हैं। मैम नहीं है सर, वो भगवान है हमारी। छात्र ने ये भी बताया कि आखिर किस तरह से महिला शिक्षिका के साथ सीएमओ ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था और अश्लील बात कही थी, जिसके जवाब में महिला शिक्षिका ने अपने साथ बंदूक लाने की बात कही थी। नाम भी आपका? शगुन। शगुन भाई, ये बताएं कि आज डीएम साहब का घेराव करा था और यहाँ जो है आपने कुछ मांगे थे, आपकी क्या मामला था? सर हमने ये मांगा था कि जो हमारी मैम के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमारी मैम की उसमें कोई गलती नहीं थी, जाहिर सी बात है। अगर आप लोगों के साथ में, आप लोगों की बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, कोई उनसे गलत बोलेगा, जाहिर सी बात है, अपना बचाव करने के लिए तो लोग करेंगे कि मैं ये लेके आऊँ, ये वो लेके आऊँ। लेडीज है, मतलब डीएम वो आए थे सीएमओ साहब उसमें स्कूल में, मैम ने स्कूल दिखाया, वो चाय पानी सारा कुछ कराया उन्होंने, फिर बोले कि ये लैटिन मतलब क्यों लगवा रखी, इंग्लिश वाली सीट लगवा रखी है ना, तो उसमें कुछ बच्चे वैसे भी हैं जिनके कमर में दर्द होता है, विकलांग भी है, उनके लिए लगवा रखी मैम ने सेफ्टी के लिए। तो बोले, मैम बोली मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, ये हुआ था। उसके बाद में फिर चार लोग आए थे, मैम से बोले तुम इधर को आओ, मैम को मतलब एक साइड में को ले जाके उनसे बोला कि मुझे सैनी बिस्तर पे अच्छी लगती है, उन्होंने ये बोला, मैम ने ये बोला अपने उन्होंने अपने बचाव के लिए बोला कि मैम ने कि मैं अपनी लाइसेंस ही रिवॉल्वर लेके आऊँ या अकेले आऊँ, तो वो बोले फिर वो चल रहे बंदूक भी है, हाँ लाइसेंस ही बंदूक है, फिर वो बोले चलो चलो चलो, फिर जाने लगे। ये सब बातें हुई थी। सर आप लोग बताओ, आप ही लोग कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ही लोग उनके साथ ऐसा कर लो तो ऐसा होगा ही क्या? फिर कुछ भी नहीं, मैम के पास नोटिस आया, मतलब टाइम दिया उनको, हमें इतने दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, बोले आ जाओ, मैम नहीं गई क्योंकि मैम अच्छे घर से हैं, ऐसी वैसी तो है नहीं, मैम गई नहीं। उसके बाद में फिर 15 दिन बाद नोटिस आया, एक महीने के बाद नोटिस आया, ये मतलब क्या होता है एक महीने के बाद का? अगर आना चाहिए नोटिस अगले दिन आओ। सर सारे काम वैसे हुए हैं व्हाट्सएप पे, कोई नोटिस नहीं आया मैम के पास भी, सारे काम व्हाट्सएप पे हुए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मैम हमारे स्कूल में रहना चाहिए, हमारी मैम नहीं जाए ना, सस्पेंड नहीं होने चाहिए मैम, 15 साल से पढ़ा रही है, अरे रुक जाओ, 15 साल से पढ़ा रही है, सन 2011 से पढ़ा रही है, 15 साल हो, 14 साल हो गए, अगर सस्पेंड होंगे सीएमओ साहब भी होंगे, मैम सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, हमारी मैम हमारे स्कूल में रहनी चाहिए, हम भी उधर के पढ़े, हम भी उन्हीं से पढ़े लिखे। सर जरा सी चोट लगती है मैम अपनी कार में लेके जाती है, किशनपुर अटरिया, जरा सी चोट लगती है मैम अपने साथ कार में लेके जाती है, बच्चों को कपड़े दे दिलाती है, अपने पास से सारे काम करती है, मैम नहीं है सर, वो भगवान है हमारी। उधर सीएमओ रामपुर द्वारा 11 जुलाई को किशनपुर अटरिया प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाने पर प्रधान अध्यापिका द्वारा दुर्व्यवहार करने और दो नाली बंदूक होने की बात कहकर 25 जुलाई को डीएम रामपुर से मौखिक शिकायत की थी, जिस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए महिला टीचर को न केवल निलंबित कर दिया गया बल्कि 16 अगस्त को आरोप पत्र भी दे दिया गया। सीएमओ साहब 11 जुलाई को विद्यालय आपका प्राथमिक विद्यालय किशनपुर अटरिया नगर क्षेत्र रामपुर में पड़ता है, उसमें निरीक्षण के लिए गए थे, तो 11 तारीख के निरीक्षण के बाद 25 जुलाई को हमारी मीटिंग थी विभागीय मीटिंग में सीएमओ साहब ने ये बताया था हम सभी को, मीटिंग में डीएम साहब भी थे, सीधो साहब भी थे और भी लोग थे, सारे अधिकारी थे जिला स्तरीय, मैं ये प्राथमिक विद्यालय किशनपुर अटरिया में गया था, मैंने जाकर के निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय मैंने पूछा प्रधानाध्यापक कौन, तो वहाँ की जो हेडमास्टर थी जिनका नाम अस्मा परवीन बताया गया है,
बोले हाँ बताइए, मैं हूँ यहाँ की हेडमास्टर, और कुछ कहना है? नहीं मैम, कह रहा हूँ नहीं, मैं हथियार, मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, मैं हथियार रखती हूँ और मैं किसी गुंडे से डरती नहीं। उसके बाद सीएमओ साहब ने कहा कि मैम सारे बच्चे आपके निपुण हो गए, तो जो असमा परवीन थी वहाँ की इंचार्ज हेड, उन्होंने कहा सारे गधे घोड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जब ये चीज़ मीटिंग में बताई तो कि टीचर के पद की गरिमा होती है और टीचर के पद की गरिमा के विपरीत कार्य उन्होंने किया है, तो उनको एक नोटिस पहले, क्योंकि रिटर्न में तो सीएमओ साहब ने हमको नहीं दिया था, तो एक नोटिस हमने उनको जारी किया है 6 अगस्त कि आपके द्वारा इस तरह से सीएमओ साहब के निरीक्षण के समय कहा गया है, आप के संबंध में 3 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी। एक तरफ निलंबन और फिर अगले दिन आरोप पत्र थमाए जाने जैसी विभागीय कार्रवाई से प्रताड़ना झेल रही महिला टीचर ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए सीएमओ रामपुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर मेरा नाम असमा परवीन है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुर रटरिया नगर क्षेत्र रामपुर से, मैं इस टाइम इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। हुआ क्या है, मैटर क्या है, चल रहा है आपके तमंचे वाला? सर मैटर कुछ नहीं था, मैटर था 11 जुलाई का। 11 जुलाई में सीएमओ सर किशनपुर रटरिया के प्रांगण में आंगनवाड़ी है, तो वो आंगनवाड़ी चेक करने के लिए आए। उनका ना तो मेरे स्कूल पर कोई ऑफलाइन भ्रमण था, ना ही ऑनलाइन, और ना ही मेरे किसी रजिस्टर पर उनके साइन है। लेकिन एक मेरा अपना व्यवहार है कि उच्च अधिकारी आते हैं तो मुझे उनके सम्मान में बोलना पड़ता है कि भाई आइए सर ऑफिस में बैठिए, पानी चाय। वैसे ही मैंने नमस्ते कर बात की, उन्होंने पूछा आप कौन है, मैंने कहा सर मैं यहाँ की हेड हूँ, इंचार्ज अध्यापिका हूँ। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक तो पहले मेरी आंगनबाड़ी को बहुत टाइट किया, डांट दिया, पूनम तुरैया मैडम है उनका नाम। फिर उसके बाद वो आशा है एक रजनी मैम, तो रजनी मैम वाइफ ऑफ श्री रंजीत सिंह, तो उन्होंने उनके साथ भी बहुत अभद्रता की। बोले कि तुम बिल्कुल जाहिल गंवार हो और तुम्हें ये नहीं मालूम कि कितने छिड़गांव में कितना ML पानी डालते हैं, कितनी दवा डालते हैं, तो फिर और दो ढक्कन क्या होता है, दो ढक्कन क्यों डाले। इस तरीके से सर इतना मिसबिहेव किया उन लेडी के साथ। मैं वहाँ 13 साल से जॉब में हूँ, मैंने उनका थोड़ा फेवर किया, मैंने कहा सर इतनी अच्छी और इतनी एकदम कर्मठ स्त्री हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, जितनी गर्भवती हैं और जितने संचालित कार्यक्रम हैं स्वास्थ्य विभाग के, सब मेरे साथ योगदान के साथ और सहयोग के साथ किए जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा बहुत नेता बन रही हो आप, तो चलो अपना स्कूल चेक कराऊँ। तो सर मेरे ऊपर आरोप यह है मैंने अमर्यादित शब्द बोले, जबकि उन्होंने उस समय बोला अच्छा बहुत नेता बन रही हो सबकी, चलो। फिर वो ऐसे स्कूल मेरे क्लासेस में चले गए, बच्चों ने बिल्कुल सटीक जवाब किए और बच्चों ने बहुत ठीक और सही उत्तर दिए सर, क्योंकि सर आप एक टीचर को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक राष्ट्र निर्माता जो कि मेरे हाथ में बच्चों का भविष्य है, मेरी गोद से बच्चे निकल रहे हैं, 13 साल से एक ही स्कूल पर मैं तैनात हूँ, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनका आश्रम पद्धति में भी सिलेक्शन हो रहा है, जो इस टाइम एक प्रॉपर अच्छी जॉब में है 13 साल के, तो इतना तो बनता है कि मेरे बच्चे भी मेरा फेवर करें। तो बच्चे बोले कि अरे सर आप मैडम से कैसे बात कर रहे हैं। बोले अच्छा चलिए अपना स्कूल का भ्रमण दिखाइएगा, भ्रमण कराइए। फिर मैंने ऐसी स्कूल की बिल्डिंग दिखाई, बोले बहुत अच्छा पैसा लगा दिया आपने काफ़ी, और ये दिव्यांग शौचालय क्यों, कमोड क्यों लगवाई? मैंने कहा सर कमोड में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उनको भी फेस करने के लिए, वो भी यूज़ करते हैं और मैं भी थोड़ी मोटी हूँ, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ कमोड। तो मुझे बोले आप कहाँ मोटी हो, आप तो खाते पीते घर की हो, इतनी सुंदर हो। तो सर थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन उनकी एज मेरे डैडी के बराबर है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं समझी उनको। लेकिन उन्होंने जब मुझसे 2-4 बार इंसिस्ट किया कि फ़ोटो खिंचवा तो लो, फोटो तो खिंचवाओ, तो देखिए सिक्स सेंस डेवलप्ड होता है लेडीज़ का, उन्हें आइडिया हो जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एट अनदर स्टेप। तो मुझे मालूम हो गया, मैंने अपने सहायक टीचर्स असिस्टेंट टीचर्स को बुलाया, उन लोगों को खड़ा किया और फिर मैं लास्ट में कॉर्नर पर आके खड़ी हो गई। महिला टीचर ने साफ किया कि बंदूक साथ लाने की बात उन्होंने सीएमओ रामपुर के अनैतिक और अश्लील प्रस्ताव पर कही थी। इसके बाद भी उनको मंशा उनका ठीक ठाक नहीं था, वो बोले अच्छा चलिए उस साइड कॉर्नर में चलते हैं, क्लासेस बढ़े आप ही खाली पड़े, वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे अश्लील और इतनी गंदी बात की सर कि मैं कई बार मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। तो उस समय सिर्फ मैंने यही क्यों कहा कि मैं आपके बिस्तर पर गन के साथ आऊँ या रिवॉल्वर के साथ आऊँ, मैंने उनको कुछ और क्यों नहीं कहा? मैं इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में यही आया एक महिला अपने सम्मान अपने अस्तित्व अपनी गरिमा को बचाने के लिए, और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं खुद अपने साथ, मेरे स्कूल में इस टाइम 188 बच्चे हैं इस टाइम रजिस्टर्ड, उनमें से 100 लड़कियां हैं,
मैं 100 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं 100 लड़कियों को उनके अंदर आत्मविश्वास और उनके अंदर के उनको अपना कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को समाज में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आना है, मैं सब कुछ सिखा रही हूँ। और उसी टीचर के साथ आप इतनी अभद्रता करेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये तो सही नहीं था ना किसी भी तरीके से। उच्च अधिकारी हैं, फिर उन्होंने कहा मुझसे कि देखो ऑफर है, मान लो DM नौसिखिया है, CDO नौसिखिया है, तुम्हारा सस्पेंशन कराऊंगा BSA से कहकर और तुम्हारे बंदूक का लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। अब सर मैंने ये कहा था कि मैं रिवॉल्वर लाऊं कि गन लाऊं कि विदाउट गन लाऊं, क्योंकि उस टाइम मैं घबरा इतना गई थी कि मेरे मुंह में जो आया मैंने कभी जिंदगी में ऐसा फेस किया नहीं था, तो बस मैं मेंटली शॉक थी, मैंने ऐसे बोल दिया। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को हुई इस घटना के बाद 2 सप्ताह तक CMO रामपुर ने महिला टीचर का इंतजार किया और कथित रूप से उनके अश्लील ऑफर पर नो कहने पर CMO रामपुर ने DM रामपुर से मनगढ़ंत शिकायत कर दी। अब सर अगर किसी को शिकायत होगी वो 1-2 दिन बाद ही तो शिकायत करेंगे, वो 15 दिन का वेट करेंगे। CMO सर ने 15 दिन का वेट किया, 15 दिन में 25 तारीख को टास्क फोर्स की जब बैठक हुई, उन्होंने ये नहीं कहा DM सर से कि मेरा ना ऑनलाइन भ्रमण है ना ऑफलाइन भ्रमण है, उन्होंने सीधा सीधा कहा एक महिला है बदतमीजी कर रही है। DM सर ने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। अगर कोई महिला अपनी प्रतिक्रिया देगी कि मेरे पास रिवॉल्वर है बंदूक, तो ये सोचिए कि उसका ज्वलंत कितना होगा सवाल, जो वो इतना ज्वलंत उत्तर देगी। और आज कोई पहली बार तो मेरे घर में बंदूक थी नहीं, मेरे डैडी से मुझे विरासत में मिली है, मेरे डैडी खुद अधिवक्ता रहे 45 साल जिला 17 न्यायालय रामपुर में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जैसी मेरी परवरिश है उस हिसाब से मैंने कभी डरी नहीं, शायद मैं उस समय डर गई, उस समय मैंने, क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना उच्च अधिकारी, इतने सम्मानित और एक वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ ऐसी बात करेंगे। गधे घोड़े वाली जो बात थी सर, गधे घोड़े की ये बात रही कि उन्होंने मुझसे ना, जब उन्होंने देखा कि ये नो है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी मर्दानगी सच कह रही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने फौरन सोचा कि लाओ बच्चे तो ठीक सवालों के जवाब दे रहे हैं, इस महिला से ये निपुण के बारे में पूछते हैं। सही सेंस में सर उनको निपुण की पूरी डेफिनेशन भी नहीं मालूम थी, उन्हें खुद ही नहीं मालूम NIPUN क्या था, वो इनिशिएटिव प्रोग्राम है या वो FLN क्या है, उन्हें ये भी नहीं मालूम था फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी क्या है। उनको सिर्फ निपुण का मतलब होता है हिंदी वाला निपुण, मीन्स कॉम्पिटेंसी। अधिकारी हो भाई, स्कूल के भ्रमण पर आ रहे हो, कम से कम आपको निपुण की फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए थी कि इंग्लिश में उसका क्या है, या FLN की ट्रेनिंग क्या हमने दी है। सर मैं परमानेंट TOT रही हूँ, चमरवा में पहली पोस्टिंग रही मेरी, CMET में मैं जाकर ट्रेनिंग लेकर आती हूँ, यहाँ 40-40 टीचर्स के बैच बनाकर ट्रेनिंग देती हूँ। तो सर आप मुझसे मेरा पूछ रहे हैं निपुण, मैंने कहा सर मेरा स्कूल 79% निपुण है, 21% रह गया। तो सर मुझसे बोले कि 100% क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा सर देखिए मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों को चाहूँ DM बना दूँ बट नहीं बना सकती, मैं 4 बहन भाई, मेरे डैडी चाहें मेरा सबका दिमाग मेरे 4 बच्चों का एक सा हो जाए, नहीं हो सकता। हर बच्चा अलग अलग अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी लेकर आता है और उसका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि 79% मेरे तेज रेस के घोड़े हैं, 21% जो रह गए मैं उनको भी लंबी रेस का घोड़ा बना दूंगी। तो इस पर उन्होंने कहा अच्छा वो गधे हैं, अपने आप तो सवाल कर रहे हो आप, और अपने आप ही मेरे ऊपर लाद दिया। मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड थी, मुझे मालूम नहीं था ये इतना लंबा तूल पकड़ेगा मैटर, नहीं तो मैं शब्दों का वाकई चयन सर इतना सटीक और संभाल कर करती कि उन्हीं का सवाल उन्हीं पर रखती। बस मुझसे ये हो गया कि मैंने ये कह दिया कि 21% मेरे जो बच्चे पिछड़े रह गए मैं उनको भी लंबी रेस का घोड़ा बना दूंगी। उन्होंने कहा तो क्या वो गधे हैं, इस पर शायद मैंने कह दिया, क्या प्रतिक्रिया रही होगी उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं। इसके बाद भी सर को सुकून नहीं मिला, 25 तारीख के बाद वो 5 तारीख को दोबारा मीटिंग में गए, फिर बोले अरे आपने उस शिक्षिका के खिलाफ कुछ करा नहीं। उनके मन को वो ना खटक रहा था सर, जो एक आत्मसम्मान के लिए एक स्त्री ने अपनी मर्यादा अपनी प्रतिष्ठा अपने सम्मान अपने गौरव को बचाने के लिए जो कि ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, उन्होंने 5 तारीख को फिर रिमाइंड कराया सर को। DM सर ने फिर एक तरफा पक्ष सुना, क्यों उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलवा रहा हूँ और एक मैं अपने ही इस डिपार्टमेंट की शिक्षिका को प्रताड़ित मानसिक रूप से करवा रहा हूँ, शारीरिक रूप से सर मेरा उत्पीड़न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तुरंत वो बात अपने आप सोची कि अरे मेरा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, मेरा समाज में मेरी मान मर्यादा मेरी प्रतिष्ठा, और सर आपको मालूम है मीडिया में एक लाइन ये कह दी कि मेरे पास 2 नाली बंदूक है या रिवॉल्वर है, इतना बतंगड़ बना दिया मीडिया ने, ये नहीं सोचा कि सवाल कितना ज्वलंत रहा होगा और जो प्रतिक्रिया इतनी घातक आई है किसी ने नहीं सोचा। 5 तारीख के बाद मेरे जो BSA सर हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अभी नवीन उनके यहाँ मतलब ट्रांसफ़र होकर आए हैं, पूरा मैटर उन्हें मालूम नहीं था। उन्होंने 6 तारीख को मेरे लिए एक नोटिस बना दिया और वो नोटिस ना तो मुझे ऑनलाइन कुछ किसी तरीके से मतलब
इतना गंभीर प्रकरण है, आपको किसी को भेजना था, आपको मेरी रिसीविंग लेनी थी, आज तक मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ। नगर शिक्षा अधिकारी श्री सुनील सक्सेना जी ने मेरे पर्सनल नंबर पर 10 तारीख को सेकेंड सैटरडे में मुझे व्हाट्सएप किया मेरे अपने नंबर पर, और उसमें उन्होंने एक नंबर व्हाट्सएप मेरे पे किया और दूसरा वही मेरा नोटिस उन्होंने उठाकर मीडिया में डाल दिया ताकि ये ऊंचे मैटर पड़ जाए और कम से कम इस शिक्षिका का जो नगर क्षेत्र की एक आइडियल बनी हुई है, जो एक परमानेंट TOT है, जो 3-4 साल के पीछे अपने क्षेत्र में ABRC का पद संभाले हुए, संतोषजनक, जिसने जिला अधिकारी से अपने बेस्ट टीचर का अवार्ड लिया है, जिसने नगर पालिका में बेस्ट महिला सशक्तिकरण का अवार्ड लिया है, ऐसे बंदे को सर ने एक मिनट नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने सिर्फ ये देखा, जब सारे मीडिया के अधिकारी और सब लोग गए तो उन्होंने ये कहा ठीक है, 2 दिन छुट्टी थी, सेकेंड सैटरडे था, संडे, आज देखते हैं कि महिला ने कुछ जमा किया नहीं। उन्हें तुरंत ये कहना था कि महिला को नोटिस अभी जारी ही नहीं किया गया, फिर भी मैंने सोचा कि ये मैटर अति गंभीर है। वो व्हाट्सएप देखकर मैंने उस व्हाट्सएप की ही रिसीविंग समझ ली और मैंने 12 तारीख को, जिस दिन सोमवार को हमारी छुट्टी की गई थी कांवड़ यात्रा के दौरान, मैंने उस दिन सुबह के 11 बजे जाकर सर के को अपना स्पष्टीकरण जमा कर दिया और उसकी मैंने तुरंत रिसीविंग भी ले ली। डाक विभाग में मोहर नहीं लगा रहे थे, फिर भी मैंने जानबूझकर स्टैंप लगवाई, क्योंकि मुझे मालूम था ये उच्च अधिकारियों का मैटर है, एक शिक्षिका की आवाज़ दबा दी जाएगी, इतने संविदाकर्मी निरस्त हो गए। CMO सर ने जिसकी नो सुनी उसको उठा के फौरन पद से निष्कासित कर दिया, किसी ने सवाल का जवाब नहीं उठाया, उनके पास आर्थिक समस्या हो गई, जो भी कुछ रहा हो, फिर अनमैरिड लड़कियां हैं, समाज से कैसे फेस करती, आप देखिएगा न्यायालय में कितने उनके वाद सिर्फ महिलाओं के ऊपर लंबित हैं, हमारे CMO सर के ऊपर। अभी भी CMO सर का एक प्रकरण चल रहा है महिला के संबंध में, एक आवाज़ मैंने उठाई, मेरे अपने विभाग ने मेरी आवाज़ दबाने की कुचलने की कोशिश की। सर को ये चाहिए था कि जब मैंने उनको 2-4 बार जाने की कोशिश करी, 8-10 लोगों के सामने एक महिला इतनी गंदी बात कैसे कह देगी। मैंने एक बार गई तो वहाँ पर सारे हमारे जिला संघ के अपने अध्यक्ष सब लोग महोदय बैठे हुए थे, मैं तब लौट कर आ गई। सर को मैंने सोचा फ़ोन पर बता दूँ, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। अब इसके बाद जब सर ने देखा कि अब मैंने तो कोई नोटिस जारी किया ही नहीं था और ये नोटिस का जवाब आ भी गया, उनके पास शब्द नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है अपना स्टाफ का मामला है, हल्का फुल्का, कोई बात नहीं, ज़्यादा उछालो नहीं, और ऐसा कर दें कि तुमने नोटिस का जवाब तो दे दिया, 20-25 दिन शांत होकर बैठ जाओ। और उन्होंने मुझे कल के दिन में 16 तारीख को, मीन्स ये 16 तारीख को वो लेटर बना हुआ, 14 तारीख का, 14 का 15 हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया, मैंने वैसे ही हर्षोल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस अपने बच्चों के साथ स्कूल में मनाया। 16 तारीख को मुझे निलंबन आदेश मेरा मिला। सर कमाल की बात है, इतना बुद्धिजीवी वर्ग, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज जो आने वाली नस्लों को तैयार कर रहा है, उस समाज के लोग ऐसे हैं कि जो मुझे निलंबन आदेश देते हैं और रिसीविंग पर मेरी पत्रांक संख्या गलत डालते हैं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि माइंड क्लिक कर गया और मैंने रजिस्टर देखा, रजिस्टर में श्रीमती अस्मा परवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुर अटरिया, आगे पत्रांक संख्या 73 लिखा हुआ था, 86 73। मैंने पूछा, क्योंकि वो जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी आए थे श्री प्रशांत जी, तो मैंने प्रशांत जी से पूछा कि अरे इतना गंभीर मैटर, मुझसे लेटर कौन सा आप रिसीव करा रहे हो और पत्रांक संख्या कौन सी डाल रहे हो, घपला कर रहे हो, इसका मतलब है मैं इस पर साइन कर दूं, क्या मालूम इसमें क्या लिखा हो, क्या मालूम आपने इसके ऊपर मेरे ऊपर क्या आरोप सिद्ध किए हो, मैं ऐसे नहीं करूंगी। वो बोले कि मैडम मैं काट देता हूं, मैं वाइटनर लगा, मैंने कहा नहीं कटेगा नहीं, ये ऑफिस की प्रपत्र है, FIR दर्ज हो जाती है, काटोगे तो, और आप खुद कौन हो, एक लेकर रही है तो आए इमीडिएटर हो, आप नहीं करो ऐसा, मैं अपने आप खुद लिखती हूँ उसके ऊपर। तो सर मैंने उसके ऊपर लिखा कि पत्रांक संख्या इतने इतने के निलंबन आदेश बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी के द्वारा इतनी तारीख को पत्रांक संख्या गलत अंकित किया गया है, जो कि पत्रांक संख्या सही ये है, और नीचे मैंने साइन करे और तारीख डाली। आज मैं फिर सुबह गई स्कूल, स्कूल गई तो आज मुझे आरोप पत्र मिल गया, कल निलंबन मिला, आज आरोप पत्र मिल गया, सब कुछ खेल है, सब कुछ खेल बनाकर रख दिया। ठीक है चलिए, 15 दिन का मुझे समय मिला, मैं अपनी बात रखूंगी, मैं लिखित में पूरी कार्रवाई करूंगी, जब मैं निडर होकर सर एक उच्च अधिकारी के खिलाफ ये बोल सकती हूँ, जबकि शुरू में मैंने अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखा, मैंने समाज का ध्यान रखा, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब उन्होंने बिल्कुल प्रदेश लेवल पर बात पहुंचा दी है, गूगल पर खबर आ गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मम्मी ये क्या चीज़ है, दो नाली बंद हो, मेरे बच्चों ने कभी नहीं देखी, मेरे स्कूल के स्टाफ ने कभी नहीं देखी, मेरे ग्रामीण साथियों ने नहीं देखी। आज सारे ग्रामीण साथियों को जब बच्चों को बताया कल जाकर कि हमारी मैडम का निलंबन हो गया, तो सभी के माता पिता खुद ही वो किस तरीके से, भाई मुझे नहीं मालूम कैसे वो DM सर के तहसील दिवस था टांडा तहसील में, वहाँ वो गए हैं, वहाँ पहुँचे और सर उन लोगों के जो शब्द थे उनको सुनकर मेरा, मैं इतनी मतलब मेरा हृदय इतना मार्मिक, इतना
सरल है लेकिन बोलने की आवाज़ मेरी भले से कठोर हो, उन लोगों ने ये कहा कि ये हमारी टीचर नहीं, ये हमारा भगवान है। बहुत बड़ी बात कह दी उन बच्चों ने, उनके मम्मी पापा ने, और वो लड़के साथ गए थे जो आज से कम ना 4-5 साल पहले स्कूल से निकल कर अपनी जॉब कर रहे हैं। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ी है, मुझे निलंबन किया गया है, तो मुझसे पहले निलंबन उस व्यक्ति का होना चाहिए जो अपने उच्च अधिकारी पद पर रहते हुए अपने गलत अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। एक मुझ जैसी 40 साल की एक 15 साल पुरानी टीचर का इतना ज़्यादा शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक मुझे रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी मेरी बच्चियों का क्या करते होंगे, उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ कि कम संविदा कर्मी जो मेरी छोटी बहनें हैं वो कितनी सुरक्षित होंगी। मैं ये चाहती हूँ आने वाले समाज में एक मिसाल कायम हो जाए कि कम से कम एक शिक्षिका ने आवाज़ उठाई, उसे निलंबित किया गया, सच की आवाज़ दबाई गई, अधिकारियों का सामने चेहरा है कि सारे अधिकारी मिलकर एक दूसरे का कैसे सांठगांठ से काम कर रहे हैं, चाहे वो रुपये पैसे में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो महिला के शोषण पर हो, किसी भी तरीके से है शोषण बर्दाश्त नहीं करिए। आप सबके घर में मम्मी है, आप सबके घर में बेटियाँ हैं, बहनें, सब जॉब करने बाहर निकलेंगी। आज मेरा शोषण हो रहा है, कल उन सबका होगा। आज CMO सर का आप निलंबित करिए और मुझे बहाल करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकारी नारे को जमीन पर उतारने वाली शिक्षिका खुद एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है, लेकिन उनके आरोपों की ना तो कोई जांच हुई, ना ही आरोपी अधिकारी से कोई जवाब तलब हुआ, बल्कि सीधे पीड़ित शिक्षिका निलंबन की कार्रवाई कर दी गई और अगले दिन आरोप पत्र भी थमा दिया गया। अश्लील डिमांड का आरोप लगाने वाली टीचर की एक तरफा सस्पेंड किए जाने पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में नन्हे मुन्ने मासूमों, विशेषकर लड़कियों को समाज में पनप रही कुरीतियों और अश्लीलता से लड़ने के लिए तैयार करने का भला कौन साहस कर सकेगा।